नमस्कार, चलते हैं एक बार फिर बाड़मेर की तरफ। बाड़मेर लोकसभा सीट पर 26 अप्रैल को मतदान के बाद एक दूसरे के समर्थकों के साथ हुई मारपीट को लेकर शनिवार को रविंद्र सिंह भाटी ने बालोतरा एसपी कार्यालय के सामने समर्थकों के साथ धरना दिया। भाटी ने पुलिस प्रशासन पर राजनीतिक दबाव के कारण पक्षपात के आरोप भी लगाए। उन्होंने कहा 26 अप्रैल को मतदान के समय उन्होंने पुलिस और प्रशासन को कई बूथों पर धांधली और मारपीट की सूचना दी थी, लेकिन पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया। रविंद्र सिंह भाटी ने कहा हमारे समर्थकों की गाड़ियां जब्त कर ली गई, हमारे मतदाताओं के साथ हुई मारपीट की घटना पर भी कोई कदम नहीं उठाया गया, पुलिस और प्रशासन दबाव के तहत काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं पुलिस और प्रशासन से कल की घटना का जवाब मांगने आया हूं, जब तक कोई जवाब नहीं मिलेगा तब तक एसपी कार्यालय के सामने से नहीं हटेंगे, चाहे पुलिस हमें चीज की है। रात चलते हुए लोगों को आपने परेशान किया है, उनको उनके अधिकार के साथ में उनको गाड़ियां और वो तमाम चीजें हैं, क्योंकि कई सारे लोगों को परेशान किया गया, मैं उसके विरोध में आ गया हूँ। सर, कल की घटनाओं को देखा जाए तो कांग्रेस ने भी आरोप लगाए थे, बीजेपी ने भी आरोप लगाए थे, कुल मिला के आरोप और प्रचारों का दौर जारी रहा, क्या लगता है कांग्रेस ने भी? मैं बताना चाहूंगा कि कांग्रेस खुद की गलतियों को छुपाने के लिए आरोप और प्रत्यारोप कर रही है, उल्टा कांग्रेस के एक विधायक जाके माहौल खराब करते हैं। आप देखेंगे कि कल हमने पूरे दिन माहौल को किसी भी तरीके की अप्रिय घटना नहीं हो, शांति व्यवस्था बनाए रहे, इसके लिए हर संभव प्रयास भी किया और हमने किया भी, पर इन्होंने ज़बरदस्ती माहौल खराब करने का प्रयास किया, क्योंकि इनको हार की बौखलाहट थी, इनको पता था कि हम चुनाव हार जाएंगे और ये उस बौखलाहट में कई सारी तमाम चीज़ें कर रहे थे और कहीं ना कहीं प्रशासन को भी ये टूल की तरह उपयोग ले रहे। समर्थकों के धरने के दौरान एसपी कार्यालय के बाहर सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए थे, मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस जाप्ता भी तैनात रहा। भाटी ने शुक्रवार को प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा था कि बायतू विधानसभा में उनके पोलिंग एजेंट को बूथ से बाहर निकाल दिया गया, ईवीएम पर मेरे नाम के आगे एक लेबल लगा दिया गया ताकि मुझे वोट ना मिले और मेरे लिए वोट करने आए प्रवासियों की गाड़ियों को रोक दिया गया, मुझे हराने के लिए चाहे कितने भी हथकंडे अपना लिए जाएं, मैंने अपने मतदाताओं के दिलों में जगह बना ली है और तुम मुझे उन दिलों से कैसे निकालोगे, कुछ इस तरीके के बयान भाटी ने दिए। अपने ट्वीट पर भी उन्होंने लिखा बायतू विधानसभा के अंदर मेरे एजेंटों को बूथ से बाहर निकाला जा रहा है और वोटिंग मशीन पर मेरे नाम के आगे लेबल लगा दिया गया है, ये कैसा लोकतंत्र है, आखिर प्रशासन किसके दबाव में काम कर रहा है।